केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद श्री केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर आने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, साथ ही अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि पैदल मार्ग अब दुरुस्त हो चुका है और यात्रा निरंतर जारी है। जानकारी के अनुसार पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, भोजन, शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजकोट गुजरात से आए प्रफुल्ल ने बताया कि पैदल मार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित और सुगम है। यात्रा मार्ग पर सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उप जिलाधिकारी उखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण कुछ दिनों के लिए यात्रा जरूर प्रभावित हुई थी, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से लगातार यात्रा में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है, मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है, आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है, सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। नमस्कार, हम लोग गुवाहाटी से आए थे, हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है, और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए, हम चारों लोग गुवाहाटी से ही आए हैं। मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा, रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं।